आपसे पूछे थे, शुक्रवार को सोचा था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर गया तो वहाँ देख लाकर रूपानुचार्य गुरुवर्ग की जय, गंगा जमुना तुलसी भक्ति वृंदा देवी की जय, सर्वाश्रुति गिरिराज गोवर्धन की जय, भक्ति विनाशन सिंहदेव की जय, भक्त राय प्रहलाद महाराज की जय, ग्रंथ राय श्रीमद भागवतम की जय, ग्रंथ वक्ता श्रोता वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मयूर जो कथा आरंभ हो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीना पराधलक्ष्यै क्षिप्त्वा कामादि तरंगमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना
वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्ति। कल हमने कहा था कि मुनि लोग नैमिषारण्य में उपस्थित होकर प्रश्न किया कि मनुष्य मात्र के लिए सर्वोत्तम कल्याण क्या है, जिससे कि उनका आत्म कल्याण हो सके। छिपने जाए इसको थोड़ा सा नीचे करो, ये सिर के ऊपर में रहता है। नहीं नहीं, हाँ और नीचे करो, नीचे से इसको ऐसे बस सिर के ऊपर न रहे। आप सर्व ज्ञाता हैं, समस्त शास्त्रों के जानने वाले हैं, वेद उपनिषद सबको। तो मनुष्य मात्र के लिए क्या कल्याणकारी है? मनुष्य की सीमित बुद्धि से इसे स्थिर नहीं किया जा सकता। आपने अपने गुरु की सेवा की है, आपके गुरु सुखदेव गोस्वामी हैं, वेद उपनिषदों का सार संग्रह आपने किया है, अपने जीवन में आचरण किया है, इसलिए आप हमें बतलाइए मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है? प्राणी मात्र का तात्पर्य क्या है? केवल मनुष्य ही नहीं, स्त्री पुरुष तो है ही हैं, सारे विश्व के पशु पक्षी कीट पतंग जिसमें ये चेतनता है। चेतन किसको कहते हैं? जिसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति और सुख दुख की अनुभूति होती हो उसे चेतन कहते हैं। स्वतंत्र इच्छा शक्ति और दूसरे क्या है, सुख दुख की अनुभूति हो वो चेतन है। और जिसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है, सुख दुख की अनुभूति भी नहीं है, वही जड़ है। जैसे हम लोग हैं, इसमें अभी चेतनता तो है किंतु शरीर चेतन नहीं है, ये जड़ है। यहां से निकल गया ये जड़ हो गया, ये ध्वनि तो प्रसारण कर रहा है किंतु ये जड़ है। जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सभी जड़ है, जो कुछ देखते हैं, जिसको आप शरीर को देखते हैं ये भी जड़ है। चेतन इन आंखों से नहीं दिखा जाता, पहले ये समझिए। जड़ आंखें जड़ को ही देखेगी, इसलिए जिसमें इच्छा शक्ति का अभाव है और सुख दुख की अनुभूति नहीं है वो जड़ है। और जिसमें सुख दुख की अनुभूति और इच्छा शक्ति है, चाहे वो पेड़ में है, पौधे में है, घास में भी हो, कुछ घासों को आप देखे होंगे, हाथ से छू दीजिए, छुई मुई संकुचित हो जाती है और फिर हटा दीजिए फिर वो खिल जाती है। इसलिए पेड़ों पौधों में भी जान है। तो इन सब का कल्याण कैसे हो सकता है, आप हमें निश्चित करके ये बतलाइए।
ब्रूही न शब्दधानंग जीना आत्मा संप्रसिद्ध थी, जिसमें आत्मा प्रसन्न हो, शरीर के लिए नहीं पूछा, आत्मा के लिए पूछा। मरने के बाद में ये शरीर का कोई मूल्य नहीं, इसलिए कहते हैं आत्मा का कल्याण कैसा हो, चाहे वो जहां जहां भी जिस रूप में हो। अब वो उन्होंने अपने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी का लक्षण कुछ होता है, गुरुजी ऐसे तैसे नहीं हो जाते। आजकल में जगत में शिष्य गुरु बहुत कम है, बहुत कम। बनने वाले तो बहुत बनते हैं गुरु, किंतु गुरुत्व तो का होना यह सहज नहीं है। गुरु कौन है? तस्मात गुरुं प्रपद्येत, वेद कहते हैं, वेद के जो प्रमाण है अकाट्य है, क्योंकि स्वयं ब्रह्म के द्वारा वो क्या है, इसलिए अपौरुषेय है। पुरुष के द्वारा, किसी के द्वारा, बद्ध जीव के द्वारा वो नहीं लिखा गया, अपौरुषेय है। इसलिए कहते हैं तस्मात गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, इसको जानने के लिए उत्तम गुरु के पास में सद शिष्य जाता है। पूछता जी हमारा कल्याण कैसे होगा, मैं कौन हूं, कहां से आया, वो गुरु कैसा है, उसी में बतलाया गया। तस्मात गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, शाब्दे परे च निष्णातम्। शब्द शास्त्र में, वेद में, उपनिषद इत्यादि परम पारंगत होगा, उपलब्धि किया हुए होगा, और परब्रह्म में अनुभूति होगी। है क्या परब्रह्म, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी अनुभूति होगी। और तीसरा है संसारिक विषय में उसे संपूर्ण से अनाशक्ति होगी। ये तीन चीज जरूरी है। यदि समस्त वेदों को भी जान लिया अर्थ, किंतु अनुभूति नहीं है परब्रह्म की, तो वो गुरु नहीं। गुरु का मूल लक्षण है परब्रह्म की अनुभूति हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और वेद शास्त्रों का ज्ञान भी होगा शंकाओं को निवारण करने के लिए, और संसारिक आसक्ति नहीं, आसक्ति रहेगी, किसी विषय में आसक्ति नहीं रहेगी, उसके समस्त अनर्थ दूर हो चुके हैं, किसी चीज की संसारिक लिप्सा इच्छा नहीं है। ये सदगुरु का लक्षण बतलाया। परीक्षा कर्मचितान लोकान, ये संसार को परीक्षा करके देख लिया कि इसमें सार क्या है, इस संसारिक पदार्थों में किसी में भी सार नहीं है, असार है, सब दुख के कारण है। इसको समझ करके, उसे अनासक्त हो करके, भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति है, ब्रह्म पर ब्रह्म को जो जान ले, वो सतगुरु है। तो अपने गुरु को सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि संसार में तो आसक्ति है ही नहीं है, ये तो देख ही रखे हैं, नंग धड़ंग चलते हैं, और अनुभूति कैसी है इसको इसमें बतला रहे हैं ना? जम प्रब्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यः, जन्म हुआ और उनके नाड़ी संस्कार नहीं हुआ, छेदन संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार भी नहीं हुआ, और ज्यों ही निकले माता के गर्भ से त्यों ही निकल करके जंगल की तरफ में चले, और उसके पिता उसके पीछे पीछे हा पुत्र करते हुए चल रहे हैं, और पुत्र उत्तर नहीं दे रहा, उसकी प्रतिध्वनि वन में, हा पुत्र किसके लिए कर, कौन पुत्र कौन पिता, बचपन पे ही इसकी कथा इस प्रकार से है कि सुखदेव गोस्वामी को शास्त्र में बतलाया, श्री शुक, श्री श्रीया शुक,
षष्ठी इसमें आ गया श्रिया, श्री के सुख, श्री जी राधा जी के सुख। जब कृष्ण की लीला चल रही थी तो बरसाने में राधा जी के हाथों पर बैठकर राधा जी उनको अनार का दाना खिला रही और कभी चावल और दूध उसे खिला रही और उसे पढ़ाती हैं कहो तो कृष्ण कृष्ण। वो मधुर स्वर में राधा जी का टोटो अन कर करके जैसा वो जिस स्वर में कहती हैं उसी स्वर में वो कह रहा है कृष्ण कृष्ण। कहते कहते एक दिन उनके हथेली से उड़ गया, जाति स्वभाव का चंचल उड़ गया और ही में नंदगांव है। दूरी कितनी है? नंदगांव और बरसाना दूरी दोनों मिले हुए हैं, दोनों का बॉर्डर वैसे सांसारिक दृष्टि से वो 2-3 मील की दूरी होगी, दोनों मिले ही हुए हैं बॉर्डर, एक दूसरे दिखाई देते हैं। उड़ करके चलाया, एक तमाल वृक्ष पर बैठ गया, एक डाली पर, वहीं पर कृष्ण और मधुमंगल जी बैठे हुए थे और बड़े सुंदर स्वर से राधा जी के स्वरों में स्वर मिलाकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगा। कृष्ण ने देखा हमारा नाम, ये तो राधिका जैसे ये उच्चारण कर रहा है, ये कौन है, कहीं आ तो नहीं गई। इधर उधर देखा तो पेड़ की डाली पर उस सुख को देखा, बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने उसे बुलाया, झट कृष्ण के हाथों पर वो पहुंच गया। और कृष्ण कहते हैं जी बोलो तो क्या बोल रहा था? उसने फिर वही कृष्ण कृष्ण कहा और एक श्लोक और पाठ किया। मैं जाति के स्वभाव से अत्यंत चंचल, श्रीमती जी बड़े प्यार के साथ अपने हथेलियों पर बैठाकर हमारा लालन पालन करती और अनार के दाने खिलाती और मैं कहाँ जाति के स्वभाव से अकृतज्ञ, मैं वहाँ से छोड़ करके उड़ करके यहाँ चला आया, मुझे धिक्कार है। सुनकर कृष्ण और बड़े प्रभावित हुए, बड़े प्यार से उसे और जो फिर बोलो ऐसा कर रहे थे। इतने में 2 गोपियाँ आईं, ललिता और विशाखा जी, बोली ये तो हमारी प्रिया जी का सुख है, इसे दे दो, उसके बिना वो रह नहीं सकती, ये उड़ करके चला आया है, तो तुम्हारा है तो ले जाओ, हमारे हाथ पर ये है तो उसे बुला लो, यदि चला जाता है जाओ, तो ऐसा तो कोई विश्व में नहीं है प्राणी जो आपके हथेली पर आ करके और फिर दूसरे के यहाँ चले जाए। हाँ एक बात हो सकती है, यदि प्रिया जी स्वयं आए तो ये उड़ करके चला जाएगा, तो वो तो आएंगे नहीं, इसलिए ये नहीं आ रहा है, तो तुम दे दो, बहुत दुखी हैं इसके लिए। कृष्ण ने कहा ये तुम बुला लो, ऐसे मैं नहीं देता, तुम्हारा है ले जाओ। ये लोग माता जसोदा जी के यहाँ गई, जसोदा जी से कहा जी हमारी प्रिया जी का सुख पक्षी बहुत है, वो उड़ करके चला है, ये दे नहीं रहे, श्याम जी ने नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा तुम बैठो, उनको बैठा दिया और कहा जी मैं भी आ रही हूँ। कृष्ण जहाँ खेल रहे थे उस सुख पक्षी के एक साथ में, एक झपट्टे में उस सुख को ले लिया, कहा जी तुम बड़े गंदे लड़के हो, दिन रात पक्षी और जानवरों के साथ में खेल करते हो, अभी तुम्हारे पिताजी बैठे हुए हैं, रसोई तैयार है तुम्हारे लिए, वो बैठे हैं और तुम्हारे बिना खा नहीं रहा, तुम इनको लेकर के गंदे पक्षियों के साथ में बैठे लेकर के, और उनको भी पकड़ लिया और पक्षी को अपने हाथ में ले लिया, उनका हाथ पकड़ कर जबरदस्ती खींच करके ले आई और दासियों को दे इससे स्नान कराओ, और वो सुख पक्षी उनको दे दिया, वो लेकर के चले। ये कृष्ण की और राधा जी की सारी लीलाओं को जानने वाला, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य जानने वाला, उपनिषद सब का सार जानने वाला ये सुख साधारण नहीं था। इसलिए जब कृष्ण लीला समाप्त हो गई तो कृष्ण ने इस सुख पक्षी से कहा जी अब तो हम लोग जा रहे हैं, हमारी लीला समाप्त हो गई, गोलोक बैकुंठ में जाएंगे, तुमको इस जगत में रहना पड़ेगा,
तुम्हारे द्वारा इस हमारे जितने ज्ञान है या तत्व है, ब्रह्म ज्ञान से लेकर के भगवत तत्व ज्ञान इत्यादि सारी चीजों को इस जगत में तुमको प्रकाश करना है। वो तो रोने लगा जी आपके बिना हम तो नहीं सकता, नहीं इस बड़े काम के लिए भगवत तत्व का प्रकाश करने के लिए जब तक ऐसा कोई जानने वाला न हो तब तक नहीं कर सकता। जिसको अनुभूति नहीं है वो क्या तत्व ज्ञान को देगा। इसलिए तुम रहो, कुछ दिनों के बाद में जब काम हो जाएगा तब तुम आ जाना। उसको रख करके चले गए। वो बेचारा अकेले कहाँ रहे। कृष्ण और लीला तो चली गई गोलोक में, और इधर में अब कलयुग आने वाला है कि आ ही गया कृष्ण के जाने के बाद ही। इसलिए छटपट करता हुआ कहाँ कृष्ण की लीला कथाओं को सुने, कहाँ तत्व सुने, पर ब्रह्म की ये सब लीलाएं। घूमता 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 देखा जी चले परम भागवत वैष्णव में जथा शंभु, उनके पास में जाए, भगवान की लीला कथाएं पर ब्रह्म की ये सब चीजें ये प्रभु जी से जा करके सुनूंगा। इसलिए कैलाश में गए, वहाँ पर भगवत तत्व की बातें हो रही थी और पार्वती जी को वो सुना रहे हैं और वो हुंकारी भर रही। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद से आरंभ किया तत्व ज्ञान, पर ब्रह्म के कौन है, उसकी कैसी लीलाएं हैं, कैसे जीव का कल्याण करता है, कैसे बड़े बड़े ईश्वर तत्व भी उसकी आराधना करते हैं। और इतने में वो सो गई। लीला कथा होती तो ठीक था, किंतु वो तत्व कथा पहले एक दो तीन चार स्कंदों में है, पर ब्रह्म क्या है, कैसे जगत की सृष्टि होता है, ओंकार तत्व कैसा है, उससे कैसे जगत की सृष्टि होता है, और उम बन करके कैसे होता है, वो अक्षर है, अक्षर किसको कहते हैं, अक्षर माने न क्षर इति अक्षर, अक्षर किंतु हुआ ये समासबद्ध हो करके। संस्कृत का कुछ ज्ञान होना चाहिए तभी वेद के थोड़े से भी कुछ मंत्र को हम तात्पर्य निकाल। नक्षर जो नखरती, जिसका रूपांतर नहीं है, जिसका क्षय ही नहीं है, वो है अक्षर। ऐसा संसार में कौन सा चीज अपनी आंखों से देखते हैं जिसका जन्म मरण और उसका बुढ़ापा और रोग और ये सब नहीं है, सबका है। इसलिए जो कुछ इस संसार में हम देखते हैं सब क्या है, अक्षर है। अक्षर क्या है, जिसके वजह से ये शरीर है। इस जगत में केवल एकमात्र ही परम तत्व है, अक्षर है, वो पर ब्रह्म है, और उसी का अंश ये जीवात्मा, ये भी अक्षर है। किंतु कभी कभी जब भगवान को यह भूल जाता है तो ये भी जीव भी क्षर संसार में आकर के उसमें रचपच जाता है और अपने को क्षर समझने लगता है। इसलिए अक्षर तत्व दो, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। इस तत्व को समझने वाला ही यथार्थ गुरु है। तो ये सब का तात्पर्य जानने वाले कौन है, सुखदेव गोस्वामी है। कैसे, तो वो सुखदेव गोस्वामी कैलाश में गए, कथा हो रही थी इसी तत्व की, पर ब्रह्म इत्यादि की भागवत की कथा हो रही थी, सुनने लगे और पार्वती जी सो गईं और ये हुंकारी भरने लगे, होम आगे, बहुत अच्छा आगे कहिए, होम ऐसे करने लगे। शंकर जी तन्मय होकर के कर रहे हैं हरि कथा, करने लगे इस पर तत्व की कथाएं, भागवत की कथाएं। सोचा जी पार्वती हुंकार दे रही हैं और वो तो सुख पक्षी हुंकार दे करके सब सुनता जा रहा है। जब अंतिम समय आया एकादश द्वादश का, तो उनकी नींद खुली। उन्होंने कहा जब मैंने तो कुछ सुना नहीं, फिर से कहिए तो क्या हुआ। तो ये सुना कौन, तुम्हारी जैसी शब्दों में हुंकार आ रहा था, कहाँ कौन सुना, ये अनाधिकारी किसी व्यक्ति ने सुना है, इसलिए उसको जरूर जान से मार डालना है। अनाधिकारी व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत और ब्रह्म तत्व तो सुनने योग्य नहीं है। ये भागवत का भी ऐसा ही है, अनाधिकारी ना सुनो, जिसमें श्रद्धा हो तब तो काम कुछ करेगा,
और जब श्रद्धा ही नहीं रही तो क्या सुने। इसलिए श्रद्धा पूर्वक यदि श्रवण करेगा तो और वो भी अच्छे व्यक्ति के मुख से जो अनुभूति संपन्न हो। इसलिए उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, कौन सुना, इधर उधर खोजने पर पता चला जे पेड़ की झोपड़ी झाड़ी में पत्तों में छिपा हुआ एक हरा सा सुख पक्षी उसमें बैठा है। ओ, इसी ने हुंकारी दिया। अब त्रिशूल लेकर के दौड़े उसे मारने के लिए, वो उड़ा और भागा वहां से। उड़ते उड़ते पासी में बद्रिकाश्रम, दूरी तो कम किंतु पर्वतमालाओं से इतना बिहड़ है कि कम से कम तो आपको 400 मील घूम करके जाना पड़ेगा केदारनाथ से बद्रीनारायण। कैलाश तो थोड़ा सा और पास में है, मानसरोवर कैलाश। इसलिए वो तो सीधा उड़ करके वहां पर पहुंचा और शंकर जी भी तो साधारण आदमी नहीं, उसका पीछे किए हुए पहुंचे। इतने में वहां पर व्यासदेव अपनी पत्नी बीटिका के हरी कथा वही सुना रहे थे। बस वहां करके ऐसे आ ऐसे कर करके सुन रही थी, आश्चर्यचकित होकर के बड़े प्रेम से सुन रही थी, उनके मुख में प्रवेश कर गया। इतने में शंकर जी पहुंचे, इधर में एक सुख पक्षी आया। व्यास जी ने कहा बात क्या है जरा बतलाइए तो। हाँ आया तो किधर गया, तो पहले तो ये बतलाओ जैसे किस लिए खोज रहे हैं। तो इसलिए उसको मारना है, क्यों, मैं परम पवित्र अमृतमयी भगवान की कथा सुना रहा था, ये अनाधिकारी होकर के एक पक्षी होकर के सुन लिया। ऐसे तो सुनने से क्या होता है, जो इस अमर कथा को सुनेगा वो अमर हो जाता है। अरे भोलेनाथ जी, जो यदि वो अमर ही हो गया सुन करके तो उसको आप मार कर सकते हैं, आप उसे लाख जन्मों में भी नहीं मार सकते, वो तो अमर हो गया है। शंकर भी मुस्कुराए लौट गए, किंतु ये माँ के गर्भ में जो प्रवेश किया 16 वर्ष तक निकला नहीं, उसी में रहा और हरी कथा सुनता रहा। 16 वर्ष के बाद में व्यास जी ने उससे कहा अरे भाई जो हो अब तो निकलो, माता जी को कष्ट मत दो। तुम ना क्या ऐसे नहीं निकलूंगा, कैसे निकलेगा, यदि माया को इस संसार से एक क्षण के लिए भी निकाल दिया जाए तो उसमें निकल सकता हूं। माया माने क्या, माया, मां माने नहीं है, या जो नहीं है उसको वही समझ करके उसमें आसक्ति का नाम माया है। ऐसे ये संसार झूठा है नहीं, ये सत्य है, क्योंकि सत्य संकल्प भगवान से निकला है, ये बात तो ठीक है, किंतु उसमें मैं और मेरी की जो बुद्धि है ये माया है। फिर से समझिए, माया किसको कहते हैं, संसार ये असत्य नहीं है, क्षणिक और परिवर्तनशील है, असत्य और झूठा सपने जैसा नहीं है ये। इसी में राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, वेद है, उपनिषद है, ये जिसमें सूर्य और चंद्र निकलते हैं, ये झूठा कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठा है, नहीं, संसार कैसे झूठा सकता है, तुम इसी में हो, तुम्हारे बाप दादा थे, राम थे, कृष्ण थे, गीता है, भागवत है, जिसमें रामचंद्र जी और ये सब लोग अवतार लिया, वो संसार कैसे झूठा हो सकता है। संसार तो सत्य है किंतु क्षण भंगुर है, क्षणस्थाई है, क्षण क्षण में परिवर्तन इसका होता है। इसमें मैं और मैं की जो बुद्धि होती है, मैं ये शरीर हूं और ये मेरा, ये पिताजी मेरे, मेरी भैया, मेरी स्त्री, ये मेरा संसार है, मेरा घर है, मेरा कुत्ता है, मेरी गैया है, मेरे मित्र हैं, मेरी संपत्ति है, ये जो मैं और मेरा का भाव है, मैं और मोर तोर तय माया, ये माया। अभी जिसको आप पत्नी कह रहे हैं वो भी तुम्हारे जैसे ही एक आत्मा है, उसको स्त्री का शरीर मिल गया, उसकी ऐसी वासना थी, आपको पुरुष का शरीर मिल गया, शरीर तो वो है नहीं, आप तो शरीर नहीं, आत्मा को तो देखते नहीं, और उसकी शरीर मान लिया जो मेरी है, यदि मेरी है तो मर जाने के बाद में उसको जलाता क्यों है, तू क्यों जलाता है, घर में एक दिन रखो तो रख सकेगा, नहीं रख सकती,
यदि मेरी है और शरीर ही यह है तो उसको जलाने से तो तुमको जेल और फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा क्यों नहीं होती? आप 10, 20, 50, 100, 1,00,000 मुर्दों को जलाइए, फांसी होगी? किंतु एक शरीर में आत्मा रहते हुए उसको जलाओ तो देखो तो क्या होता है। इसलिए शरीर के प्रति, संसारिक वस्तुओं के प्रति मैं और मेरी की जो बुद्धि है, इसी का नाम माया है। उसमें आत्मा सत्य है, शरीर भी सत्य है, त्रैकालिक सत्य नहीं है, क्षणभंगुर है, ये बात तो ठीक है, किंतु है सत्य। अच्छा, छाया जो हमारे शरीर की होती है ना, जब चलते हैं सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो छाया सत्य है कि झूठ है? क्या है बतलाइए? दिख रही है ना, दिखती नहीं है, झूठ कैसे कह सकते हैं? और उसकी छाया मनुष्य जैसी है, और सूर्य की रोशनी को भी ठक्कर के जहां पर छाया है कुछ शीतलता लाएगी, तो झूठ कैसे है? उसकी क्रिया भी है, छाया नाम भी है, उसकी कुछ क्रिया भी है, इसलिए असत्य नहीं है, किंतु क्षणभंगुर है। यह मेरी छाया है, ये मेरी से समझ कर और उस पर आग गिर जाए, सोचो जब मैं जल रहा हूं, ये क्या है? यह माया। इसलिए मैं और मेरी की बुद्धि आसक्ति है, ये माया है। इसलिए संसार में रहते हुए अपना व्यवहार ठीक रखें, करें, जो कुछ करते हैं करें, अपने को समझिए मैं भगवान का दास हूं, ये सभी भगवान के दासी हैं और दास हैं, यह संबंध रखें, उसमें आसक्ति ना हो, मैं और मेरे की बुद्धि, ये सभी कृष्ण के हैं, मैं भी कृष्ण का हूं, बस तनिक भी माया नहीं लगेगी, परम मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे, व्यास जी ने कहा जे निकलो, कहे ऐसे नहीं निकलूंगा, माया हट जाए तो अच्छा, तो मैं हटाता हूं, आप हैं कौन? मैं व्यास जी हूं, आप पर विश्वास नहीं, कौन कहेगा? कृष्ण स्वयं आए और वो कहें तो मैं मान लूंगा। अच्छा, उन्होंने कृष्ण के लिए स्मरण किया, उनके स्मरण करते ही कृष्ण आ गए, बोले जे बेटे तुम निकल जाओ अपनी मैया के गर्भ से, आप कौन हैं? मैं कृष्ण हूं। ओ, आप कृष्ण हैं, ठीक है, मैं माया को हटाता हूं, एक कितने के लिए, एक पलक के कोटि भाग का एक भाग के लिए माया को हटा रहा हूं, संसार इसमें तुम निकलाओ, माया तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। बस उन्होंने एक तलवार की धार पर सरसों जैसे फेंकने से, उस धार पर सरसों जितनी देर तक ठहर सकता है तो गिरेगा ही, उतनी देर के लिए माया हटाई और उसी के बीच में वो निकले, और निकल करके अब तो उनकी ये मेरे पिता हैं, मैया हैं, ये हमारा जन्म स्थान है, ये तो भाव रहा नहीं, ऐसे निकल करके भगवत आराधना के लिए चल पड़े। पिताजी पुकारे, अरे बेटे बेटे, किस लिए पुकार रहे हैं? व्यास जी तो साधारण आदमी नहीं है, वो तो भगवत तत्व जानने वाले भगवान ही के स्वरूप हैं, उसने देखा जैसे हमको भागवत प्रकाश करना था, और ऐसा जगत में योग्य जो माया जिसके अंदर में नहीं है, इस परम तत्व को समझ सकता है, ऐसा विश्व में किसी को नहीं देखता, यदि ये होता तो इसको मैं भागवत की को पढ़ाता, मैंने भागवत को मैंने लिखा तो, किंतु इसको पढ़ने वाला कोई जगत में नहीं है, इसलिए इसको अंततः पढ़ाता तो काम होता, इसलिए हा पुत्र कर रहे हैं। वो चले, इतने में हिमालय की सघन पहाड़ियों में कैलाश के समीप ही उन्होंने देखा एक सुंदर सी सरोवर है, बहुत सुंदर, उसमें बड़े कमल खिल रहे हैं, भौंरे उसमें गुंजार कर रहे हैं, और उसी में कुछ लड़कियां अश्वपरायण बड़ी सुंदरी कपड़ों को तट पर रख कर और स्नान कर रही थी, परस्पर खेल कर रही थी, कोई था तो नहीं देखने वाला, इसलिए बिना लज्जा के संकोच के वहीं परस्पर खेल रही थी। इतने में सुखदेव गोस्वामी आकर के और चले गए, उन्होंने कुछ भी उसके तरफ में भ्रूक्षेप नहीं किया, नहीं देखा। जब ये आए, हजारों वर्ष के बूढ़े, केश पके हुए, दाढ़ी और श्वेत, ये सब बूढ़े,
तो लड़कियां उनको देख करके कुछ सलज्ज होकर के झट तट पर आई, कपड़े पहन लिया और पहन करके संकोच होकर के उनको दूर से प्रणाम किया। ब्यास जी ने कहा, बेटियों तुम तो हमारी नातनी के नातनी हो, मैं इतना बूढ़ा, हमसे लज्जा किया और हमारा बेटा नौजवान 16 वर्ष का जा रहा था, वो भी नंगा, तो उसे तुम लोगों को लज्जा नहीं हुई और हमसे लज्जा क्यों हुई? लड़कियों ने कहा, आपके बेटे तो चले गए किंतु उन्होंने पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा, हमारे तरफ में देखा नहीं, आप पूछ क्यों रहे? इसलिए कि आपके अंदर में स्त्री और पुरुष का भाव है, आपके लड़के के अंदर में पुरुष और लड़की का कोई भाव ही नहीं था, स्त्री का, वो तो सुखी हुई लकड़ी की तरफ में हमें देख करके चले गए। ऐसे परम विरक्त संसार से सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही, बल्कि पहले जन्म से ऐसे सुख, समस्त संसार के विद्याओं में पारंगत, वेद उपनिषद सब का, और कैसे, और थोड़ी सी सुन लीजिए। ब्यास जी ने कुछ बड़ा होने के बाद में उनको जनकपुर में भेजा, जनक के पास जाओ, थोड़ा सा ज्ञान, तत्व ज्ञान वहां से सिखाओ। ये वहां पर पहुंचे, नंगे तो थे ही, ड्योढ़ी पर उनको रोक दिया गया, 60 ड्योढ़ियां थी, पहली ड्योढ़ी पर रोक दिया गया, कुछ पूछा नहीं, 5-6 दिन बिना खाए पिए बिना ऐसे ही, किंतु आए हैं तत्व ज्ञान के लिए ना, तत्व ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, जो नहीं जानते हैं वो कुछ इसकी मर्यादा नहीं जानते। बड़ी मुश्किल से वहां पर आए हुए तत्व ज्ञान, ब्रह्म तत्व ज्ञान सीखने के लिए, अतः जब कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं है, 7-5-6 दिन वहीं पर खड़े रहे। 6 दिन के बाद में कुछ लड़कियां आईं, बड़े प्यार के साथ में, बड़ी पनी ठनी हुई लड़कियां, और उनको दूसरी डोड़ी में ले गईं, बड़े प्यार से उनको बगीचे दिख रही हैं, तरह तरह के चीज़ें दिखला रही हैं, प्रलुब्ध कर रही हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं, ऐसे मालूम पड़ता है नीरस जैसे, किंतु नीरस नहीं, ध्यान में उसी समय में चिंतन कर रहे हैं आनंदमय ब्रह्म का, इसलिए इधर में ध्यान नहीं है। यदि कोई भारत का रसगुल्ला, कलकत्ते का रसगुल्ला हो, मचमच करता हुआ, बंगाली लोग समझ सकते हैं, मचमच करता हुआ रहेगा ना, उसके रंध्र रंध्र में रस भरा पड़ा हो, शुद्ध बना हुआ हो, मिलावटी ना हो, वो खा रहा हो और उसको कोई थर्ड क्लास का गुड़ का बना हुआ कोई चीज दे तो वो खाएगा थोड़े? ऐसे ही उसके सामने जो ब्रह्म में आनंद मन में चिंता में निमग्न है, उसके लिए ये सब कुछ नहीं। इसलिए वहां पर जब पहुंचे, लड़कियों के इधर उधर माने सेवा करने पर भी उनको कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उन्होंने धीरे 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 महाराज की डोड़ी में, जहाँ पर राजसभा थी, वहाँ पर ले गए। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि लोग, महर्षि लोग, याज्ञवल्क ऋषि जैसे ब्रह्म को जानने वाले लोग, ब्रह्म तत्ववेत्ता वहाँ पर थे। राज सिंहासन था महाराज का, वहाँ पर पहुँचे। साथ ही साथ महाराज ने इनको लेकर बड़े आवभगत के साथ में अभिनंदन करते हुए उनको लेकर के बैठा दिया राज सिंहासन पर, और वहीं पर नारद जी बैठे हुए थे पहले से। सिंहासन के एक तरफ में नारद जी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ में इनको बैठा दिया, और इतने में इशारा से अपनी पत्नी सुनैना जी को, सीता जी की मैया को, 16 श्रृंगार करके कहा कि आ जाओ। बस वो 16 श्रृंगार करके बड़ी अद्भुत सुंदरी जो सीता जी की मैया हैं, वो श्रृंगार करके आई और उनको बीच में बैठा दिया। एक तरफ में नारद, दूसरी तरफ में कौन? सुखदेव गोस्वामी, बीच में बैठा दिया। जब ही बैठाया, नारद जी उठ करके उनको प्रणाम किया सुनैना जी को, और नीचे बैठ गए। और सुखदेव गोस्वामी, कौन बैठा है कि नहीं बैठा है, शरीर से संबंध नहीं, आत्म तत्व में डूबे हुए हैं, बैठे के बैठे हैं। ये है संसार से विरक्ति और परम ब्रह्म की अनुभूति।
जगत के सर्वत्र जीवों के अंदर में ये जानने वाले हैं सर्वज्ञ। क्यों? इनके प्रभु सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनकी सेवा के लिए सर्वज्ञ ये हैं। तो गुरु ऐसा होना चाहिए। आजकल करके गुरु कैसे हैं? शिष्य किया और लड़की यदि है तो कुछ दिनों के बाद में उसे शादी कर करके चलेगा, कुछ रुपयों के लिए अपने सबको बिक्री कर देने वाले, ऐसे गुरु से गुरुत्व नहीं होता है। ये अपनी शंकाओं को दूर, समस्याओं को नहीं दूर कर सकते हैं, दूसरों की क्या कर सकते हैं। इसलिए गुरु मिले नहीं, शिष्य मिले लाख लाख और गुरु मिले एक भी नहीं। गुरु का होना बड़ा भारी कठिन है, जो सारी शंकाओं को हमारे दूर कर करके पर ब्रह्म में हमारे चित्त को लगा दें, बहुत कम है, बहुत कम बिरले विश्व में, विशेष करके कलयुग में हैं जरूर, किंतु बहुत बिरले हैं। ऐसे लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो यदि ऐसे गुरु से भेंट हो जाए। तो उसी को कह रहे हैं प्रवंच परव्रजंतम अनुपेतमपेत द्वैपायनो विरह का आतर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु सर्वभूत हितयं मुनिमानतोषि। ऐसे समस्त हृदयों में बैठ बैठने वाले उन अंतर्यामी जो हैं सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अब भागवत प्रारंभ कर रहा हूँ। आप लोग भी इन सब लक्षणों को जानेंगे। कोई आकर के बहका दे मैं तुम्हारा गुरु हूँ, दो चार बातें ऐसे ऐसे कह करके ठग न ले। संसार में बहुत ठग हैं, बहुत ठग। एक पैसे की हानि लेने के लिए बाजार में जाएंगे, यहाँ मिलती है कि नहीं मैं नहीं जानता, किंतु भारतवर्ष में हानियाँ बिकती हैं कुम्हारों के दुकानों पर बाजार में। यदि उसको लेना है दो पैसे की हंडी तो लेकर के एक डंडे से उसे देखेंगे, खन खन बजती है कि ठन ठन बजती है। यदि ठन ठन बजती है तो लेंगे, और खन खन करती है तो क्या करेंगे, उसमें काम नहीं होगा, रसोई नहीं होगी, उसमें पानी नहीं रखा जा सकता, वो चुएगी। तो गुरु को करना है जीवन सर्वस्व देना है, ऐसे ही दे लेंगे, पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर जानो भाई, नहीं तो ऐसे बेवकूफों के पल्ले पड़ जाओगे, जीवन सर्वस्व तुम्हारा हुए। कह जाके देखो स्त्री से बोलना मत, और जो पैसे है चुपचाप से हमको दे देना, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तुम्हारा बस एकदम पासपोर्ट और वीसा तुमको दे देंगे हम, गोलोक वृंदावन का। जिनको अपने ही भारतवर्ष के लिए वीसा और पासपोर्ट नहीं है, और भगवान के लिए परब्रह्म के लिए गोलोक वृंदावन का वीसा और पासपोर्ट बना रहे हैं, और उसके लिए कितना, 1 लाख रुपया या कितना और कितनी उसमें ये सब, ऐसे धूर्तों से बचिए, जरूर धूर्तों से बचिए, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता है। उसे परखिए, ऐसे ही किसी के चरणों में समर्पित नहीं कर देंगे, ऐसा भगवान ने शरीर नहीं दिया है, सी बुद्धि दिया है, बुद्धि के कसौटी पहनता था, तो देखिए विचार कीजिए। गुरु कह दिया जैसे इसको मारो, ये हमारा विरोध करता है, बस बेकू की भांति उसे मार दिया, ये गुरु सेवा नहीं है, न तो वो गुरु से गुरु है न वो सेवक है। विचार करके देखो, यदि देखो जैसे हमारा भाव सागर से ये पार नहीं कराएंगे, परम ब्रह्म की अनुभूति नहीं देंगे, ऐसे ज्ञान नहीं दे सकते हैं आत्मा परमात्मा का, तो यदि पहले से भूल से गुरु हो चुका है तो उसको भी छोड़ करके ऐसा योग्य गुरु करो। ऐसा सब उपनिषद में लिखा है, वेदों में लिखा है, ऐसा ऐसे गुरु से कुछ नहीं होता। इसलिए अब वो अपने गुरु को प्रणाम करके, इसलिए कि गुरु अभी हमारे हृदय में आ जाए, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, इसलिए जो कुछ मैं कहूंगा गलती नहीं होगा, सब ब्रह्म वाक्य की तरफ में परम सत्य होगा। बिना गुरु कृपा के किसी भी काम में भक्ति नहीं, किंतु गुरु भी वैसा होना चाहिए, जैसा तैसा नहीं, जैसा हमने कहा तो उसे सभी काम बन जाएंगे। इसलिए उपनिषदों में कहा जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, पर ब्रह्म में जिसकी श्रद्धा है और भक्ति है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्रह्म तत्वविद गुरु के चरणों में भी भक्ति हो, तब तो सब कुछ जाए, उसकी कृपा ही भगवान की कृपा है।
यदि वो प्रसन्न नहीं है तो भगवान भी प्रसन्न होकर के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गुरु तत्व तो इतना बड़ा है। अब सुखदेव ये कह रहे हैं, सुत गोस्वामी सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्खजे अहे तुक्क प्रतिहता ध्यात्मा संप्रसिद्धि। उन्होंने पूछा था जी आत्मा का कल्याण कैसा होगा जीव मात्र का, उसी को बतला रहे हैं। देखो मैं पहले सूत्र के रूप में बतला करके और फिर श्रीमद्भागवत की व्याख्या में बतलाऊंगा। पीछे मैंने पहले सूत्र के रूप में बतला दूं, जैसा कि वेदों में उपनिषद में बतलाया गया है। सबई पुंसांग, निश्चित रूप में यह सब जो समस्त प्राणी मात्र के लिए, पुंसांग माने प्राणी मात्र के लिए परम धर्म क्या है, जो समस्त विश्व का सृजन करने वालों के भी ईश्वरों के ईश्वर हैं उनके प्रति अहेतुक में बिना कारण के कॉजलेस अहेतुकी भक्ति हो। कैसे वो हैं, अधोखजे अधकृतम अतिक्रांतम अक्षजम जेन सह। मन बुद्धि अमांस अगोचर है, मन बुद्धि के गोचर नहीं है वो। कोई आदमी अपने बुद्धि के द्वारा उनको तौल नहीं सकता, जहां पर जाकर के बुद्धि मन सब लौट आते हैं। कैसे जाने जाते हैं, बस उनकी शरणागति लो, मैं प्रभु तुम्हारा हूं, बस इस शरणागति से जाने जाएंगे। सर्वधर्मान प्रत्यज्यमामेकं शरणं व्रज, बस नयमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन। वेद कहते हैं यह आत्मा परब्रह्म विद्या के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। एकमात्र जाना जाएगा सब विद्या बुद्धि को छोड़कर, हे प्रभु मैं तुम्हारा शरणागत हूं। यदि ऐसा हो जाए तो अपने आप हृदय में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए परम धर्म भक्ति है। किनकी भक्ति, ये विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने वाले जो अमांग मनसो गोचर हैं, इंद्रियों से अतीत हैं, गुणों से भी अतीत हैं, उनके प्रति तैलधारावत अभिछिन्न गति से जो भक्ति है, चित्त की वृत्तियां हैं अपने आप लगें, यही जीवमात्र के लिए परम धर्म है। धर्म बहुत से हैं, माता के प्रति, पिता के प्रति, स्त्री के प्रति, पति के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति, विश्ववासियों के प्रति, दान पुण्य तीर्थों में स्नान, गरीबों की सहायता, ये सभी धर्म हैं, किंतु परम धर्म नहीं है। धर्म और परम धर्म में अंतर है। धर्म परिवर्तन हो सकता है, अभी आप हिंदू हैं, अभी कोई ईसाई पादरी आया आपको बना लिया, आपका नाम रख दिया जॉर्ज रख दिया, पहले आपका नाम था राम, आपको बदल दिया और आपका धर्म होगा पहले क्रिश्चियनिटी हो गई, पहले था हिंदू धर्म, ये बदल हो सकता है। कोई मुसलमान से हिंदू बन सकता है, अभी हो रहे हैं, कोई हिंदू से क्रिश्चियन बन रहे हैं, कोई मुसलमान बन रहे हैं, कलमा पढ़ा दो बस हो गया, ये तो परिवर्तन हो जाएगा। अपना जैसे मैं भारतवासी हूँ वो बदल करके मैं यहाँ अमेरिकन वासी हुआ, सिटीजन यहाँ के हो गए, ये तो बदल हो जाएगा साथ से, किंतु परम धर्म नहीं बदल सकता। वो एक ही है सारे विश्व का, सारे विश्व के जितने भी प्राणी हैं वहाँ पर देश का विभाग नहीं, काल का विभाग नहीं, प्राणी मात्र का कोई विभाग नहीं, हम सभी उन्हीं के हैं। उनके प्रति तैलधारावत अभिछिन्न गति, जैसे कोई मधु है ना गिराई जाए उसका तार नीचे से ऊपर तक जुड़ा रहता है, ऐसे चित्त की वृत्तियां उनमें स्वाभाविक रूप से बिना किसी हेतु के कारण के ही लगे, इसका नाम है परम धर्म। मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का एक ही धर्म है, भगवान दो तो है नहीं, इसलिए परम समस्त प्राणी मात्र का, इसलिए उसे पर ब्रह्म कहा गया। परम माने कहें श्रेष्ठ ब्रह्म, हम ब्रह्म हो सकते हैं, अनुभूति होने पर हम ब्रह्म हो सकते हैं जीवन मरण से अतीत, किंतु परब्रह्म नहीं हो सकते, जगत का सृजन इत्यादि नहीं कर सकते हैं,
इसलिए उसको कहते हैं सभी पुंसा। प्राणी मात्र के लिए परम धर्म है यही कि परब्रह्म के प्रति अहेतु की, बिना किसी हेतु की प्रीति हो। हमारी जगत में प्रीति कैसी है? किसी हेतु के लिए। हमने शादी की किसी उद्देश्य के लिए। हमारी स्त्री परम सुंदरी और हमारी सेवा करेगी, हमारे सब काम में हाथ बटाएगी, और वो आते ही पहले दिन से ही पढ़ी लिखी, वो भी लॉ एट बैरिस्टर है पत्नी भी, और आप कोई बिजनेसमैन हैं, तो आपके आकर के सिर कैसे झुकाएगी? वो अभी शांत से रहती है, आपसे अभी शांत से रहते हैं, दो दिन के बाद में डाइवोर्स हो गया। अपने पत्नी को देखा आज बड़ी सुंदरी है, बहुत काम काम की है, और हठात तो उसको लकवा की बीमारी हो गई, फिर बच्चा पैदा हो रहा, सुंदरी भी नहीं रही, गड़बड़ हो गया का, जब दूसरी स्त्री से प्यार कर ले। पति के संबंध में भी ऐसा हो सकता है। ये सब हेतु कारण है। हेतु और एक अच्छी तरह से समझिए, एक भौंरा एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है, किस लिए? हेतु क्या? उसका चुंबन करता है, उस पर बैठता है, उसका रस लेता है, और फिर उड़ जाता है ना दूसरी जगह। हेतु क्या है? रस लेना। जब रस नहीं रहेगा तो दूसरी जगह चला जाएगा, ये हेतु है। एक विद्यार्थी था, वो कॉलेज गया पढ़ने के लिए, पढ़ रहा है, जब उसका पढ़ने का काम समाप्त हो गया तो फिर कॉलेज में रहेगा? काम समाप्त हो गया, पढ़ने का हेतु था, इसलिए तब तक खूब आदर करता था प्रिंसिपल को और सबको, जब पढ़ाई खत्म हो गई तो चला आया। एक हिरण जंगल में रहता था, वहां आग लग गई, पेड़ जल गए, अब हिरण वहां रह गई, उसका स्वार्थ नहीं है। एक बड़ा भारी बट का वृक्ष है, उसमें बहुत से हजारों चिड़िया रहती हैं, पक्षी रहते हैं, यदि पेड़ सूख गया, उसमें फल और पत्ते नहीं रहे, तो अब चिड़िया रहेगी? उसका हेतु था ना, ये फल में वहां पर मिलेगा और छाया मिलेगी, आराम से रहेंगे, किंतु वो तो सूख गया पेड़, चले। एक वेश्या थी, रुपये के लिए दूसरों को प्यार करती थी, जब उसे दूह लिया, पूरा पूरा रुपया ले लिया, तो घर से निकाल दिया। एक पुरुष था, वेश्या के पास जाता था, जब काम हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं। ये सब क्या है? हेतु की प्रीति है, ये प्रीति नहीं है। भगवान के साथ में अहेतु की प्रीति हो, कोई भी हेतु नहीं। कैसे? जैसे हिमालय से या किसी बड़े पर्वत से नदियां निकलती हैं और समुद्र की तरफ में चलती हैं, हेतु है? किस लिए? आग जलाती है, हेतु है? आप पानी पिएंगे, उससे आपके प्यास दूर हो जाती है, इसमें पानी का कोई हेतु है? हमारा तो हेतु है पानी का, आप पानी पीजिए आपका जीवन मिलेगा, और नदी में जाइए डूब जाइए तो आप मर जाएंगे, आपके मरने से या जीवन से उसका कोई भी संबंध नहीं, हेतु नहीं है। ऐसे भगवान के चरणों में प्रीति हो, कोई हेतु ना हो। हे प्रभु, हमारे पति ठीक रहें, हमारे बेटे ठीक रहें, हमारा बेटा पास हो जाए, हमारा रोग दूर हो जाए, हमारी मैया ठीक हो जाए, कोई हेतु नहीं। गोपियों का कृष्ण के प्रति, हनुमान का राम के प्रति कोई हेतु प्रीति का नहीं है। ये प्रीति कैसी है? हनुमान की। हनुमान ने कभी राम से कुछ मांगा? राम देंगे भी तो नहीं लेंगे। एक समय राम जी ने लंका विजय के पश्चात अयोध्या में आए, सीता जी का नौलखा हार जो मणियों का था हनुमान जी को दिया, हनुमान जी उसे काटने लगे और तोड़ने लगे, फेंकने लगे, सभी लोग हंसने लगे। राम ने पूछा, भाई जी हमने इतना सुंदर और इतना बेशकीमती हार दिया, तुम उसे तोड़ करके फेंक रहे हो, ये साधारण चीज तो है नहीं, कोहनीर हीरे से भी एक एक का मूल्य अधिक। कहा जी मैं ये देख रहा था कि इसमें राम नाम कहीं अंकित है कि नहीं, जब राम ही नाम नहीं है तो बेकार, कहा मैं फेंक देता था, तो तुम्हारे यहाँ है
राम नाम लिखा, बस नख लगाया और दिखा दिया, रोम रोम में राम 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 राम। हनुमान के प्रति में कोई भी हेतु नहीं। देत ईश बिनु हेतु सनेही, जैसे भगवान को कोई भी कोई हेतु नहीं है, हमको जो प्यार करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। जीव का यदि भगवान के चरणों में ऐसा अहेतुक प्रेम, कोई हेतु ना हो, स्वभावत हो। गोपियों का कृष्ण के प्रति कोई हेतु नहीं। कृष्ण ने कहा जे कुछ मांग लो, तो गोपियों ने कहा जे कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं तो ये मांग दे दो, तुम्हारी सेवा दे दो। तो कृष्ण ने, ये तो क्या हुआ, ये तो मैं तुम्हारा और ऋणी बन जाऊंगा। तो गोपियां और क्या मांगेंगी, गोपियों की मांग, गोपियों के द्वारा प्रहलाद महाराज जी का भी, मैं बनिया नहीं हूं जो तुमसे कुछ मांगू, यदि हमारे अंदर में कुछ मांगने की इच्छा हो तो ये समाप्त कर दीजिए। नृसिंह जी ने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर में कुछ नहीं है, तुम्हारा हृदय पूरा निर्मल है, तो अभी कुछ मांगो, तभी तो मैं कुछ मांगू। तो हमारे पिताजी ने आपको बड़ा कष्ट दिया तो उनको आप मुक्त कर दें। अरे वो बहुत पहले हो, जिसके कुल में तुम्हारे जैसा एक पुत्र होता है उसके कुल का कितना 21 पीढ़ी के माता पिता और सबका उद्धार हो जाता है, तो हो गया है पहले ही। और जिस कुल में एक मध्यम अधिकारी का साधारण तत्व ज्ञान करने वाला और भगवान का भजन करने वाला साधारण में भी हो तो भी उसके 14 पीढ़ी के वो लोग उद्धार हो जाते हैं। और जो साधारण अभी केवल कुछ भी नहीं किया, हरे कृष्ण कर रहा, भगवान पर पूरा भरोसा है, ऐसा भी भक्त जिसके कुल में आ जाए तो 7 पीढ़ी के तो माता पिता और सब लोग तो अनायास ही उनका उद्धार हो जाता है, इसलिए हो गया। फिर भी मांगो कुछ, मैं ये भी हो गया, तो उन्होंने मांगा तो जब देना ही है तो ये दीजिए, आपको भूल करके संसार में जो दुखी हैं, जन्म जन्मांतर में घूम रहे हैं, उनका सारा दुख हमारे ऊपर में आ जाए और हमारा जितना कुछ पुण्य है वो सब उनमें चला जाए। प्रभु ने कहा जी मैं हार गया, तू जीत गया, हमारी इन लीला कथाओं को जो सुनेगा वो सबका उद्धार कर देंगे। ये है अहेतुकी। इसलिए भगवान में यदि प्रेम हो तो अहेतुकी हो किस कोई चीज मत मांगो, ये शरीर तो जाएगा ही, अपना कुछ नहीं, अपना यदि है तो वही प्रभु है। तो वो कह रहे हैं ऐसी जो भक्ति है यही परम धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। कुछ हमारे क्रिश्चियन भाई लोग मांगते हैं, गॉड गिव मी ब्रेड एंड बटर। ये गिव गिव का जहां है वहां नहीं, जहां केवल देना है प्रभु को, अपना सर्वस्व देना है, वो भक्ति है, ने? लेने की कोई चीज नहीं है। संसार में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको लिया जाने से आदमी सुखी हो सके। इसलिए परम धर्म है भगवान के प्रति सेवा, भक्ति माने सेवा। साधु संत लोग ये जेत देते हैं वो सतगुरु हैं, अन्यथा नहीं। वो भक्ति कैसी है, यदि वासुदेवे भगवती भक्ति जोगा प्रयोजित, ऐसी यदि भक्ति अहेतु की भक्ति बिना किसी कारण के भगवान का भजन किया जाए तो उससे क्या होता है, आंसू बहुत जल्दी से भगवान की अनुभूति होगी और साथ ही साथ में ज्ञान और वैराग्य, जितना तत्व ज्ञान है सब उसके मुट्ठी में आ जाएंगे और संसार के प्रति वैराग्य भी हो जाएगा। इसलिए धर्म सुनिश्चितांग पुंसांग विश्वक्षे अनुकथा सुजह, ये भागवत का सार बतला रहा हूं ये देकर के, और तब फिर इसी को सूत्र को बढ़ाया है, किंतु सार यही जो बतला रहा हूं आज। यदि सब प्रकार के धर्म पालन किए जाएं, किंतु भगवान की ऐसी उन्नत कथाओं में यदि जिसको सुनने में रुचि नहीं है तो क्या समझो, नोद व्यादिम सत्य यदि रतिम समय, केवल परिश्रम बेकार का, हरिनाम कर रहा है, ठाकुर जी का अर्चन कर रहा है, दान दक्षिणा कर रहा है, बहुत धार्मिक है, डोनेशन बहुत दे रहा है, हजारों स्कूल और अस्पताल बनाया फ्री चैरिटेबल, हिंदुजा अस्पताल जैसा, बंबई जैसा, या यहाँ पर भी हो सकता है, नहीं बनाया, किंतु भगवान की लीला कथाओं में ऐसी सब कथाओं में रुचि नहीं है सुनने में, वो बेकार जीरो है।
हरिनाम भी करता है, दो दिन के बाद में छोड़ देगा, कमजोर हो जाएगा। भगवान का अर्चन कर रहा है, नहीं अधिक दिन कर सकेगा यदि भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है, दो दिन के बाद में उसको भी छोड़ देगा। उसका बेटा बीमार था, उसने कहा जी हे प्रभु हमारा बच्चे को ठीक कर दीजिए, किंतु बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वो शालग्राम को, नारायण को, सबको लेकर के समुद्र में फेंकाया। बेकार का ये बोगस पत्थर, अभी तक इसको पूजा करता था, ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथाओं में रुचि नहीं, इन कथाओं में रुचि होने पर आप जो नाम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, वो भक्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान की कथाओं में जरूर रुचि होनी चाहिए। संसार में हम धर्म करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कुछ न कुछ धर्म करता नहीं करता है, तभी कुछ दान दक्षिणा। सवेरे एक माताजी आईं, उन्होंने कहा हमारे पति जी काम करते हैं, पैसे आते हैं, हम कहते हैं जैसे ये गरीबों में जाना चाहिए, यदि नहीं रहेगा, नहीं कमाएंगे, तब अपनी हाथ की चूड़ियाँ भी दे आएंगी। बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, किंतु हरि कथा में यदि रुचि नहीं है तो क्या होगा, बंधन होगा, वो बंधन हो जाएगा, कुछ की काम नहीं करेगा ये। इसलिए भगवान की कथाएं जहां होती हैं बड़ी प्यार से आई, और विशेष करके जो अहेतु की कथाएं, जिनके पैसे प्रदर्शन जो इस प्रणामी में थाल में आया, यहां पर प्रश्न नहीं है इसका। हम भारतवर्ष से इतने दूर से पैसे के लिए नहीं आए, हमने देखा कि हमारे देश के भाई लोग अपने प्राचीन गौरव संस्कृति को कुछ भूल रहे हैं। संसार के लोग इन संसार की ये वैदिक जो संस्कृति है इसे अपरिचित हैं, वो जानते नहीं इस तत्व को, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं है तो कुत्ते को प्यार करो, स्त्री पर विश्वास ना रखो किंतु कुत्ते पर विश्वास रखो, कहाँ उसमें सुखी और शांति हो सकती है। इसलिए इसको देने के लिए पैसे के लिए नहीं आया। भारतवर्ष में अंततः भी रोटी के लिए कभी अभी मलाल नहीं है, रोटी मिल जाती है, आए हैं इस चीज को देने के लिए। जो दी इस एक व्यक्ति इसका बुंद कोई भी ले ले, उसका जीवन का कल्याण, एक दिन की कथा में ही जीवन परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारा कोई स्वार्थ से नहीं आए, भगवत तत्व ज्ञान देने के लिए आए हैं। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, एक पैसा प्रणामी भी जो भागवत की हो, हम यहीं ठाकुर जी को दे करके चले गए। अभी फिजी में हम लोग गए थे, 40,000 रुपया आया प्रणामी में, हमने उन्हीं को दे दिया, मंदिर वालों को, ये तुम्हारे लिए। कहा जी फिजी के इतिहास में ऐसा कभी देखा नहीं गया, हम तो उसके लिए नहीं आए, हम देने के लिए आए हैं। ये सब चीज़ें आप लोग खुद श्रद्धा के अनुसार में सुने, यदि सुनेंगे तो हमको उसका मूल्य मिल गया कथा सुनने का। आपके पैसे का मुँह लेकर के कोई चीज़ दे देंगे, हमारा कृतार्थ कर देंगे, नहीं, हम स्वयं कृतार्थ हैं, हम अपने में पूर्ण हैं, हमको जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो धर्म करते हैं वो किसके लिए, इसलिए कि कुछ पैसे आ जाए। ये हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे हिंदुजा हॉस्पिटल इंग्लैंड में है, लंदन में है, या भारतवर्ष में है, और बड़े लोगों की है, किस लिए, कुछ लोगों का उपकार हो, इनकम टैक्स से बच भी जाए, इसलिए करते हैं। उसमें भी कुछ बातें हैं, ऐसे नहीं है वो है? तो वो कुछ पैसे हो, पैसे किस लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए है, भोग के लिए नहीं। किस लिए जीवन निर्वाह, किस लिए, अभी हम लोग काम करते हैं, वाणिज्य व्यवसाय से पैसा इकट्ठा करते हैं, किस लिए, जीवन का निर्वाह के लिए। अच्छा, जीवन का निर्वाह होने पर तुम किस लिए जीवित रहना चाहता है बतलाओ तो, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू वांट, हैव यू डिसाइडेड एनीथिंग, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, किस लिए जीवित रहना चाहता है बतलाओ तो कोई, किस लिए, खाने के लिए, स्त्री के साथ में, बच्चों के साथ में रहने के लिए, शराब पीने के लिए, या भोग करने के लिए रहना चाहते हैं, किस लिए, इसका उत्तर संसार के पास में नहीं है, ये तो तत्वविदों के हाथ में है। इसलिए जीवन में ये होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लाइफ शुड बी फिक्स्ड फर्स्ट,
और तब कम करो, किंतु ये तो है नहीं। किस लिए अमेरिका में आए? पैसे के लिए। पैसा क्या होगा? जीवन का। अच्छा, जीवन का निर्वाह होगा, उससे क्या होगा? हमारे प्राण। किंतु किस लिए तुम रहना, जीवित रहना चाहता है, किस लिए बतलाओ तो? किस लिए, उद्देश्य क्या है? निरुद्देश्य, इसलिए कुछ होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं अर्थ का यह नहीं है कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो, अर्थ से जीवन निर्वाह। जीवन के निर्वाह किस लिए होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि इसे हम परब्रह्म को जान करके सदा के लिए इसे मुक्त हो जाएंगे और भगवान के चरणों में प्रेम होगा। इसलिए बदंती तत्व विदस तत्तम जज ज्ञान मत्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते पर तत्व एक है। तत्वविद ऐसा, तत्व को जानने वाला ऐसा कहते हैं। कौन? वेद के सब जानने वाले बड़े बड़े ऋषि हैं, अथर्व ऋषि हैं, ब्रह्मा हैं और बड़े यज्ञवल्क्य इत्यादि ऋषि हैं। ये सब जानने वाले हैं, जीवन की समस्त समस्याओं को, हर पहलुओं को जानने वाले हैं। हम नहीं जानते हैं जी, हमें अभी बच्चे थे, क्यों बड़े हुए और फिर क्यों बूढ़े हुए, क्यों फिर मर गए, जानते हैं? जानते तो फिर ये सब काम ही नहीं होता। इसलिए कहते हैं तत्व को जानने वाले लोग कहते हैं, तत्व माने क्या? पर ब्रह्म ही परम तत्व है। जो उस पर ब्रह्म को जानना, जो जानने वाले हैं, अद्वैय ज्ञान पर तो एक ही है, न द्वय। संसार को बनाने वाले जो ईश्वर मूल हैं वो दो नहीं हैं, अमेरिका के एक हैं और इंग्लैंड के एक हैं, इंडिया के एक हैं, मुसलमानों के एक अल्लाह हैं, हमारे एक अलग से राम और कृष्ण हैं और उनके गॉड हैं, ये अलग अलग नहीं। नामों का अर्थ जब निकालेंगे देखेंगे एक ही, गॉड माने वही होता है जो ब्रह्म का अर्थ होता है, एक ही जी ओ डी। जी ओ डी माने, जी माने जनरेटर, ओ ऑपरेटर संचालक, और जी डिस्ट्रक्टर। और हिंदी में हम लोगों के वेदों में क्या है? सत एव सम्य इदम आग्रसित। जो इस जगत का सृजन करने वाला, जो पहले भी था, जो अभी जगत का पालन पोषण कर रहा और जगत में सब में समाया हुआ है, खुदा माने क्या? वही ब्रह्म। एक ही तात्पर्य है सब में, अलग अलग सब नहीं है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? पहले उसको कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं और से कोई भगवान कहते हैं, है एक ही तत्व। कोई उसको ब्रह्म कहा और किसी ने कहा परमात्मा और किसी ने कहा भगवान। होने पर भी ये तीन प्रतीतियां अलग अलग है, एक नहीं है। जैसे एक समझो, पानी, पानी बर्फ और कुआशा, समझ रहे हैं मेरी भाषा? पानी, गंगा नदी में पानी है और उसमें कुहरा, खूब जाड़ा और गर्मी के वजह से कुहासा दिखाई, कुहरा घना अंधकार जैसा दिखाई पड़ने लगा। कुहरा क्या है? पानी का छोटा छोटा पार्टिकल अंश है। और बर्फ क्या है? पानी जब जम जाता है अतिरिक्त ठंडा होकर के, तो उसी को बर्फ कहते हैं। अंतर क्या है? पानी, बर्फ और कुहासा एक ही तो तत्वता चीज है, किंतु पानी को कुआशा, कुआशा को बर्फ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, है अलग अलग चीज, है एक ही चीज। इसलिए ज्ञान के द्वारा जिस ब्रह्म को देखा जाता है उसको कहते हैं ब्रह्म। और जो हमारे हृदय में व्याप्त होकर के सब जीवों के सब कुछ को जानने वाले हैं वो कौन है? परमात्मा है, भगवान के अंश। और जिसमें सारा विश्व है और जो भगवान विश्व में सर्वत्र हैं, समस्त वस्तुओं में, प्राणियों में, अटम में है, वो भगवान है। भगवान माने भगवान, जिसमें सारे एपुलेंस, सारे आश्चर्य युक्त सब शक्तियां, सारी शक्तियां हैं, जिसमें सुंदर रूप है, जिस ब्रह्म में सुंदर रूप करने की, धारण करने की शक्ति नहीं, वो ब्रह्म नहीं है, वो बेकार का जीरो है। हमारा जो ब्रह्म है कैसा है? पूर्णम मदः, पूर्णम इदम, पूर्णात पूर्णम उच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्णमेव अवशिष्यते।
ये वेद का पहला बल्कि मंत्र है ये। हमारा ब्रह्म जीरो नहीं है, जो आकार ही नहीं धारण कर सकता है वो क्या ब्रह्म हो सकता है, जिसमें कोई दया नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण है, जो कोई दया नहीं है, हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता, जिसके इंद्रियां नहीं हैं, जिसको कृपा नहीं है, वो क्या ब्रह्म हो सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ब्रह्म से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा ब्रह्म तक परम सुंदर, और वह कभी जभी नष्ट नहीं होने वाला, सब समय मुस्कुराता हुआ, जीवों पर दया करने वाला, सद सद सद्गुणों से भरती, वो हमारा भगवान है। ये भगवान माने भव, अखिल विश्व ब्रह्मांड का भर्ता, भर्ता माने भरण पोषण करने वाला। हमारा पति हमारा भरण पोषण करता है ना, कब के लिए, यदि वो मर रहा है तो तुम्हें बचा लेगा, भरण पोषण नहीं कर सकता। एक पत्नी को, एक माता को बच्चा पैदा होने पर दूध निकलता है स्तन से, अब बच्चा जब नहीं होगा तो सूख जाएगा दूध ना, स्तन तो रहेगा। माता खाती है रोटी चावल दाल फल फ्रूट और दूध निकल आता है, क्यों? ये पति ने बनाया ना, पिता ने बनाया उसके स्तन में दूध, किसने बनाया? जब बच्चा पेट में गया तो उसमें बुद्धि इंटेलिजेंस कौन दी, सोचने की शक्ति, मैया ने ना बाप ने? और यदि मैया बाप ने ही दी तो मैया बाप बूढ़े अवस्था में उसको एक पुत्र क्यों नहीं हो जाता, या एक स्त्री बांझ रहती है और बाप उसको बेटा नहीं होता, क्यों नहीं होता? सोचो इस पर जरा विचार करो। तो जो सब जीवों में है और अखिल प्राणी जिसके अंदर में है, अखिल प्राणियों में जो है वो भगवान है, असंभव को भी संभव कर सकता है, सारे एपुलेंस सड़ ऐश्वर्य जिसके अंदर में है, और रूप भी धारण कर, बड़ा सुंदर रूप, चिन्मय रूप उसका, जो रूप ही नहीं हो सकता, जिसमें कोई गुण ही नहीं, तो वो क्या ब्रह्म है? इसलिए कहते हैं भक्ति की दृष्टि से, प्रेम से, वो प्रेमांजनक छुरित भक्त विलोचने न संत सदैव हृदय विरोग। यदि भक्ति है, प्रेम है, तो प्रेम रूपी अंजन के द्वारा वो भगवान कृष्ण के रूप में दिखता है। जब परमात्मा के जोगी लोग परमात्मा के रूप में उसे दर्शन करते हैं, अंगुष्ठ परिमाण में उनका ध्यान करते हैं, और ब्रह्मवादी ज्ञानी लोग ज्ञान नेत्र के द्वारा देखते हैं, क्या? ज्योति के रूप में देखते हैं। तत्सद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्ते अपश्यंत आत्मनि आत्मानं भक्त सूत गृह। जो गुरु अपने गुरु से तत्व ज्ञान ग्रहण कर तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा, हो गया बहुत अच्छा, तो ये सुन करके और दूसरों को ये इसकी शिक्षा देता है बिना किसी स्वार्थ के, तो फिर होता क्या है? भगवान के चरण में उसकी सहज रूप में प्रीति लगती है। श्रीमतांग स्वकथा कृष्ण, इन सब कथाओं के सुनने से ऐसे ही ये नहीं विफल नहीं जाएगी, यदि आप लोग थोड़ी श्रद्धा के साथ में इन कथाओं को सुनेंगे तो ये कथा ही भगवान के रूप में आपके कानों से हृदय में पहुंचेगी और हृदय के जितने मैल है सबको दूर कर दे। आप लाख चेष्टा से नहीं कर सकते, किंतु ये कथा ही भगवान के रूप में जाएंगी, श्रद्धा उत्पन्न करके, ये जो आसक्ति संसार में है मैं और मेरा, ये सबको दूर कर देगी। आप अपनी चेष्टा से, अपनी जो स्त्री जो बड़ी हमारी बातों को मानने वाली उससे भी विरोध कर लेंगे, इसलिए कोई भी समस्या आप दूर नहीं कर सकते और बढ़ा लेंगे, किंतु ये कथाएं सुनने से कृष्ण स्वयं हृदय में प्रवेश करके परम बंधु की भांति उसे निर्मल बना करके और उसे योग्य बना देते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, धीरे 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 उसके अनर्थ सब दूर हो जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी हैं, नारद गोस्वामी हैं, कोई अनर्थ नहीं है। भगवान की सेवा करते करते श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं, बिना किसी हेतु के श्रवण कीजिए, हरि नाम कीजिए, सवेरे सवेरे उठ करके उनकी चिंता कीजिए, हे प्रभु दया करें, हरि नाम कीजिए, हरे नाम, हरे कृष्ण,
समस्त जितनी शक्ति है नाम में उन्होंने भर दी है कलयुग में, विशेष करके भगवान के स्वरूप में जो दया नहीं है वो नाम में उन्होंने भर्ती कर दी है पूरी। उस नाम को यदि बिना जाने हुए भी करेंगे पापों को दूर करके भगवान के चरणों में प्रेम लाएगा, ऐसा समर्थ है उसमें। एक नहीं कोटि कोटि लोगों का उद्धार हुआ। हम लोगों में जो कुछ देखते हैं नाम के बल पर देखते हैं। बीतते हृदय ग्रंथि, हृदय की सारी ग्रंथियां कट जाती हैं। ग्रंथि माने क्या? जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई है, उलझाव उतनी ही उलझाती जाती है। जितनी संसार की समस्याओं को दूर करने की चेष्टा करो और बनती जाती है गांठ, ना हृदय की गांठें दूर हो जाती है, सब कुछ दूर हो जाएगा, काम दूर नहीं होगा, बूढ़ा होने पर भी काम नहीं जाता, प्रतिष्ठा की भावना नहीं जाती, लोभ संसार के अर्थ के प्रति पिपाशा नहीं दूर होती, ये सब गांठ हैं बंधी हुई है, सब संशय दूर हो जाते हैं, गांठें झटझट खुल जाती हैं, क्षयन्ति चस्य कर्माणि, कर्मों के फल सब नष्ट हो जाते हैं और अंदर में भगवान का दर्शन होता है, अपनी आत्मा का दर्शन करता है भगवान का भी। इसलिए जो कवि लोग हैं इस भागवत की कथा को सुनते हैं और उनकी बहुत जल्दी से जल्दी भगवान के प्रति उनकी अहित की भक्ति होती है, भगवान उसके झट वशीभूत हो जाते तत्क्षणा। किंतु श्रद्धा होनी चाहिए, एक बस इसका है, श्रद्धा होनी चाहिए। आप लोग श्रद्धा के साथ में ये 7 दिन 6 दिन जितनी है कथा सुनिए, सब तो नहीं सुना सकता किंतु थोड़ी सी जो जो कुछ अंश है इसका हम श्रवण कराने की चेष्टा करेंगे। आप लोग प्रेम के साथ में श्रद्धा के साथ में सुनिए, जरूर अवश्य ही कल्याण होगा। गौर प्रेमानंदे हरि कर जय राधा माधव Oh,
गौर हरि की जय, श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। ठाकुर की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय, संकीर्तन के भक्त वृंद की जय, संत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कल का भागवत कथा भी शाम को 6:30 बजे प्रारंभ होगी। आप सब लोग समय पे आ जाइएगा। अपने मित्रों को और परिवार के बाकी सब सदस्यों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। महाराज जी की लिखी कई पुस्तकें हिंदी और इंग्लिश में पीछे टेबल पे लगी है। महाराज जी की अपनी आवाज में भजन के कैसेट्स और सीडीज हैं। और यहाँ कृष्णदास नहीं, वो वैसे थोड़ा सा क्या हुआ यहाँ पे अपॉइंटमेंट का, वो ये भी मैं बता रही थी। अब सर फ्राइडे को 10 बजे है एक, फिर उसके बाद जो है 10 बजे क्यों ना हम दो डॉक्टर को दिखा दें। हाँ उस दिन तो इन्फेक्शन डिजीज का है, 10 बजे फिर वहीं से लेकर 11 बजे तक।
परसों के लिए ना। चलो ठीक है, और कोई नहीं बुला लिया कि प्रसाद कहाँ होगा मोचा बनाएंगे महाराज कह रहे केले के फूल का हल्की सी दाल मूंग की दाल বৃন্দা দিদি তাহলে কলেজ যাবেন না जब कहिए कल शाम को लाइएगा। देखिए आपके मैनेजर साहब बोल रहे जाने का, मैं तो कोई रहा ये देख नहीं रहा हूँ। देखिए प्रभु जी आप बहुत अच्छे से गाते हैं, भी अच्छा से चलता है। इसको बड़ा होने दीजिए। अभी से क्यों फ्राइडे को कथा के पास जाएंगे शाम को पहुँचेंगे ये प्रसाद ले लिया है मैंने बट आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स व्हाट एवर He wants to look on the camera. Why do you need to see everything? Anshu, Anshu dekho. Anshu dekho. अभी मिले आपको कुछ नहीं बोल लेते उन्होंने चेतन चलता कॉलेज और गौड़िया सिद्धांत से बखूबी वाकिफ है, लेकिन साथ के साथ बाकी सिद्धांतों को भी वो अपने पॉकेट में डाल देते हैं और अंत में वो कहते हैं कि मुझको अगर कोई टच स्टोन मिले तो ही परिवर्तन हो सकता है। वैसे तो बड़ा अब वो मैंने कहा हमारे टच स्टोन आ तो रहे हैं, नहीं सूट करें तो मैं देखा प्रसाद नहीं पाएंगे आज तक राधे राधे।